एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस, आज बन रहा है प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और हमने मंगाया सामान तो हमारा लेट हो गया है, बर्गर भी नहीं आए हैं। और आज मैं आपको मॉर्निंग से ही क्लिप दिखाऊंगी कि उसमें हमने क्या क्या बनाया है, जैसे सैंडविच बनाए थे, फिर हमने केक वेक कटिंग वो दिखाएंगे। और लाइट भी नहीं है गाइस, और जो न्यू आ रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। ये शिमला मिर्च है और ये प्याज है और ये बन रहे हैं पनीर सैंडविच। अब इसमें डलेगा प्याज और पहले पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर भी गाइस मैंने अभी ताज़ा ही निकाला है। गाइस नमक डाल दिया है, उसकी वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि इधर फुलके भी बन रहे हैं। और ये बन रहा है इसको, और इसके बाद में शिमला मिर्च डलेगी और पनीर भी डलेगा, फिर उसके क्यूब करके पनीर डलेगा, फिर उसकी सैंडविच बनेंगे। ये अलग तरीके से सैंडविच बनेंगे, पनीर सैंडविच बोलते हैं। और ये बिटिया बना रही है क्योंकि मैं इधर खाना बना रही हूँ, उसमें आ गई है। और रामवीर भैया भी आ गए हैं, वो डस्टिंग कर रहे हैं और ये बर्तन साफ कर रही है। और गाइस देखिए, और गाइस ये बिटिया बना रही है और बर्तनों की आवाज़ आ रही है, तो गाइस उसे अवॉइड करें क्योंकि बर्तनों को फोड़ रही है, गुस्सा निकाल रही है बर्तनों पर, गर्मी बहुत हो रही है ना इसलिए। अब इसमें डलेगा शेजवान, और गाइस इसमें डलेगा ये शेजवान जो मैं लेके आई थी ना बिग बाजार से, वो ये वाली है। इसको हम बोतल को फिर रख लेते हैं। और ये कौन सी है बेटा? पास्ता पिज्जा सॉस। ये पास्ता और पिज्जा सॉस डल रही है। आपने कभी ऐसे पनीर के सैंडविच खाए नहीं होंगे गाइस, जो आज आपको खाने को मिलेंगे, खाएंगे हम, आप लोग केवल देखेंगे। और ये बना रही है बिटिया। अब ये मॉर्निंग का टाइम है और जो किचन मैसी हो रही है उसको अवॉइड करना क्योंकि गाइस काम हो रहा है। इधर फुलके भी बन रहे हैं, देखिए जरा ये फुलका बन चुका है और ये रन की हुई है। अब और कुछ डलेगा बेटा? पनीर डलेंगे गाइस। ये पनीर बहुत सॉफ्ट हो रहा है क्योंकि अभी ही पनीर निकाला है और इसके क्यूब्स कट रहे हैं तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रहा है। अब लेकिन टेस्टी बहुत लगता है, ताज़ा ताज़ा सा बहुत यमी यमी लगता है। किचन मैसी हो रही है गाइस, कोई बात नहीं, आप अवॉइड करें इस चीज़ को। और उधर ये गाइस देखिए इसमें डाल रहे हैं खांसी उठी आई गाइस, और गाइस बीच में खांसी उठी आई। और देखो ये डल गई है इसमें क्यूब्स, और ये इसके बनेंगे गाइस सैंडविच। हाँ, बस आपको एक दिखा देंगे बना के क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। और देखो कितना यमी यमी टेस्टी लग रहा है। ज्योति देख, ये जो फ्राई पैन है ये ट्राई प्लाई में है, बन चुका है। ये सैंडविच बनेंगे जब दिखाते हैं। ओके लॉक स्किप ना करें। इधर ये बन रही है चाय और इसमें ऐसे ब्रेड में सैंडविच लग बन। गाइस गलत बोल गई, जो मैंने ये बिटिया ने जो पिट्ठी बनाई है ना वो इसमें ये भरा है और बन रहा है, देखिए। और बना रही है बिटिया रानी, और इधर चाय बन रही है, लेके जा रही है। और देसी घी लगाएंगे, देसी घी की तो बात ही अलग है, और जो घर का निकला हुआ देसी घी है उसकी तो बात अलग है। आप देखते होंगे कि मैं मलाई का निकालती हूँ, और अब कम हो गया है घी मेरा क्योंकि बेटा आ गया है ना यहाँ, तो वो क्या करता है कि मलाई खा लेता है, मलाई नहीं छोड़ता। और जब मलाई ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगा। और इधर चाय उबलने वाली है गाइस, चाय लेके जाएगी, सैंडविच और खाना भी लेके जाएगी। और ये हो गया है और गाइस ये नंद भाभी का प्यार चल रहा है। और ये बुके दिया जा रहा है आरजू दीदी की तरफ से। हाँ, आरजू दीदी की तरफ से। बर्थडे सेलिब्रेशन है गाइस, और ये सो गई है हमारी शर्विया। और आप है
केक पे फोकस कर दो। ये केक है, ये चिप्स है, ये रख के फोकस, इस पे फोकस करो केक पे। ये भूख है, ये हो गई है गाइस। चलो हम भी तो खिलाएंगे तेरे को। और ये केक खिलाया जा रहा है, केक खिलाने की परंपरा शुरू हो गई गाइस। और जिसको भी नहीं खिलाया गया तो बस, मैंने भी खिलाया था ना। हाँ मैंने खिला दिया क्या? अच्छा हाँ, मैं भूल ही जाती हूँ वैसे खिलाना केक। लो बाबू मैं भी खिलाई हूँ केक। हाँ जी हम भी केक खिला देते हैं। झूठ तो नहीं बोल रही। और ये दिया है आरजू दीदी ने ना, वो वीडियो बना रही है। वेलकम वेलकम गाइस। ये पिज्जा और ये ओनियन पिज्जा और ये कोल्ड ड्रिंक, केक, चिप्स, और गार्लिक ब्रेड अभी बोरानी लगा के ला रही है गाइस। ये गार्लिक ब्रेड है। ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, मम्मा की डॉटर वर्ल्ड की बेस्ट बेबी। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आप ठीक हो? आज हम छोटी दादी के हाउस आए हैं। वो हो, ये शो नहीं थी, ये बहुत एंजॉय करेंगे। हाय गजी, ये शो नहीं थी, ये अब आई है, अब ये उठी है, अब ये केक खाएंगी।